कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में 7 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। आज पहले दिन पटना की सड़कें सुनसान नजर आईं, वहीं पुलिस वाले भी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। अनलॉक 2 के दौरान मिली छूट के बाद पटना में व्यवसायिक गतिविधियों के साथ लोगों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होती जा रही थी, लेकिन इस दौरान लोगों ने न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई बल्कि कोरोना से बचने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया। नतीजे के तौर पर पटना में कोरोना का विस्फोट हुआ और जिला प्रशासन को मजबूरन फिर से लॉकडाउन का आदेश जारी करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान पटना में सघन पुलिस चेकिंग अभियान भी जारी है। बेवजह घर से निकलने और बिना मास्क के काम पर जाने वाले लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऑटो चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं, उनके वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सर, मास्क का और सीट बेल्ट का और बिना हेमलेट के चेकिंग हो रही है। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका 50 रुपया का चलान हम लोग काट रहे हैं और चलान दे रहे हैं। चलान भी काटे जी। अभी एक चलान काटे हैं, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए थे उनको चलान दिए हैं, उनसे 50 रुपया लिए हैं और रसीद दी।